दोस्तों ईवी संडे में आप सभी का स्वागत करते हैं और इस हफ्ते के जितने भी ईवी रिलेटेड न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है बजाज कंपनी की तरफ से। बजाज की जो चेतक है वो फाइनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो चुकी है, सब कुछ अब इन हाउस होने लगा है सिवाय एक चीज़ के, वो है इसके सेल्स जो कि ये इंपोर्ट कराते हैं। रेस्ट सब कुछ अब मेड इन इंडिया हो चुका है। इसके अलावा कंपनी के सीईओ ने एक और चीज़ शेयर की है, जैसे कि जो प्रोडक्शन लाइन है वो पहले एक ही जगह था, अब फाइनली वो एक्सपैंड कर चुके हैं। अब जो अकोडी पूना है वहाँ पे ऑलरेडी बजाज की दूसरी गाड़ी ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, वहाँ पे अब इन्होंने एक और असेंबली लाइन एक्वायर कर लिया फॉर दी बजाज चेतक। अब ये पर डे 800 यूनिट डेवलप कर सकते हैं, साथ में 250,000 ये गाड़ियाँ एक साल में बना सकते हैं और वहाँ से पहली इलेक्ट्रिक बजाज चेतक ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइनअप से निकल चुकी है, यानी कि ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है बजाज की तरफ से, बट एक बस ड्रॉबैक लगता है कि बजाज कंपनी अपने जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसको क्यों बढ़ा नहीं रहा है, बहुत ही लिमिटेड सिटीज़ में एक्सपांड करके रखा है। इनके सेल्स फिगर भी बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलते हैं। कंपनी को एटलीस्ट इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है रेदर प्रोडक्शन लाइन। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आती है यामा मोटर्स की तरफ से। इन्होंने 250 इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज के लिए इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट किया है जिप कंपनी, जो कि कंपनी है बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी को एक्वायर करती है और वो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। तो अब उस इन्वेस्टमेंट से ये 250 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले हैं एंड उसको यूज़ करने वाले हैं, एंड जो 250 इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी वो बेसिकली हीरो की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती है वही होगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा यामा मोटर्स की तरफ से। एटलीस्ट डायरेक्ट गाड़ियाँ नहीं सेल कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्वायर कर रहा है कोई दूसरी कंपनी। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है सिंपल एनर्जी की सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। फाइनली इसकी टेस्ट राइड की जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं करा तो ज़रूर कर लेना, आपकी सिटी में देख लो क्या उस डेट में आप अवेलेबल है, अगर है तो बुकिंग कर लो, टेस्ट राइड ले लो। बट उनका एक एनवायरमेंट है जहाँ पर ही आपको टेस्ट राइड मिलेगा, रोड्स पे नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ एक बार ध्यान दे देना। इसके अलावा भी सिंपल वन ने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे उन्होंने शोकेस किया है कि अपनी जो सिंपल एनर्जी की जो कंपनी है, जो ऑफिस है, वो फाइनली डेवलप्ड हो चुका है। वहाँ पे काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं एंड वहाँ पे इन्होंने अपना कॉल सेंटर भी डेवलप्ड किया है जहाँ पे जितनी क्वेरीज आती है वो वहीं पर ही रिजॉल्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ समय में इसके टेस्ट राइड स्टार्ट होने वाले एंड कुछ समय बाद तो इनकी डिलीवरी भी स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आती है आईआईटी दिल्ली से। फाइनली आईआईटी दिल्ली एक ऐसी कंपनी को बोल सकते हो हेल्प कर रही है टू डेवलप एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि सबसे सेफेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली इंडिया की, और इस कंपनी का नाम है क्रेटारा मोबिलिटी। और इन्होंने आईआईटी दिल्ली की हेल्प लिए टू डेवलप द सेफेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर इंडिया। देखते कब तक ये लॉन्च होगी, बाकी ये स्टार्टअप कंपनी है। बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियाँ आईआईटी से हेल्प लेती है टू डेवलप देयर इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हीकल फॉर द सेफ्टी पर्पस, और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए भी हेल्प लेती है। इवन जो सिंपल एनर्जी की जो गाड़ियाँ है वो भी एक्चुअल में आईआईटी इंदौर से टेस्टेड है। तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी करती है, उसमें से ये भी कर रही है। अगली न्यूज़ निकल के आती है होप मोटर की तरफ से। होप मोटर ने फाइनली उनका 7th जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो ओपन कर दिया और उनका टारगेट है कि इस साल के अंत तक 300 एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करना है इंडियन मार्केट में। हालांकि इनके पास जो गाड़ियाँ वो अच्छी खासी है, 2 गाड़ियाँ तो है ही है। होप की OXO लॉन्च होने वाली है, एक इलेक्ट्रिक बाइक है, हाई परफॉर्मेंस बाइक है, वो भी लॉन्च होने वाली है। वो भी जैसी आती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये अपना धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो बढ़ा रहा है। अगली न्यूज़ निकल के आती है एथर एनर्जी की तरफ से। फाइनली इन्होंने एक और एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर, भाई मेरे को तो लग रहा है एथर धीरे धीरे पूरे इंडिया को ही कवर कर लेगा, इतने ज़्यादा इनके एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हो रहे हैं जहाँ पे ये गाड़ियाँ सेल कर रही है। ये जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है बेसिकली साउथ में ही है और ये हुआ है कर्नाटका में और जगह का नाम है मैंगलुरु। तो देख सकते हो किस लेवल पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा एथर एनर्जी अपनी जो बैटरी टीम है, बेसिकली जो बैटरी डिज़ाइन टीम है, उसको एक्सपांड कर रहे हैं एंड वो एक्वायर कर रहे हैं हाई इन क्वालिफिकेशन इन बैटरी टेक्नोलॉजी। तो उन लोग एक्वायर कर करके अपनी टीम को और बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो सेफ्टी को और आगे ले जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है वो है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ से। फाइनली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और हो सकते ओला S1 Pro कुछ इश्यूज लोगों को अभी भी फेस हो रहे हैं रिगार्डिंग दी ड्रॉप ऑफ रेंज।
सडनली 14% 15% बचता है और गाड़ी पूरी की पूरी बंद हो जाती है। काफी लोग तो धक्का मार के ले जा रहे हैं, आरएसए को फोन करते हैं, फिर भी वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। और ऐसे में होता क्या है कि भैया जो कस्टमर है उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो रेंज ड्रॉप इशू चल रहा है ना, ये फिक्स हो जाएगा जो नया अपडेट आने वाला है सॉफ्टवेयर में। वो अपडेट के बाद ये जितने भी इश्यूज हो रहे हैं ना, ड्रॉप से रिलेटेड या जो बग्स देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी लोग इस पर कंफर्मेशन दे चुके हैं, सो थोड़ा वेट कर लो, मिल जाएगा। तो ये सारे जो इश्यूज अभी फेस कर रहे हो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मेरे को एक चीज़ बेकार लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक ने एटलीस्ट यार ऐसी चीज़ तो दो जिससे लोग परेशान ना हो। आप गाड़ी दी है 3-4 महीने से लोग परेशान ही हो रहे हैं, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर को तो टाइम पे अपडेट करके दे दो यार, और फुल प्रूफ दो कम से कम। बीटा वर्जन देके क्या मतलब, फुल प्रूफ दो, लोग खुश रहेंगे कम से कम। चलो एनीवेज, लोगों ने ले लिया, लोग खुश है तो हम भी खुश, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है बैटरी कंपनी की तरफ से। फाइनली इन्होंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टोरी बैटरी, स्टोरी बैटरी, यस स्टोरी नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका रेंज है 132 किलोमीटर एंड जो बैटरी है दैट इज 60 वॉट 52 एम्पेयर आवर की बैटरी है। गाड़ी बहुत अच्छी है, यहाँ पे TVS का मोटर यूज़ किया गया एंड कंट्रोलर यूज़ किया गया जो कि अच्छी क्वालिटी का है। इवन जो पार्ट्स है वो भी थोड़ा मेटल पार्ट्स है, तो यहाँ पे रिजिडिटी भी बहुत अच्छी है। इवन फ्यूचर के हिसाब से देखा तो ये गाड़ी भी अच्छी है। देखते हैं कब तक ये गाड़ी आती है, किस टाइप से परफॉर्म करती है, वो भी एक मैटर करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, इतने ही न्यूज़ थे इस हफ्ते के। और भी कुछ न्यूज़ होंगे तो वो तो डेली में आपको देते रहता हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है उसके लिए आपको हर संडे आना पड़ेगा इस चैनल पे सारे न्यूज़ के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे तो पीछे कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।